दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। 11 नवंबर 2023 भिवानी हरियाणा अनाज मंडी में पहुंचे है भाई, दादरी मंडी की बना की। तो साथियों भाई, सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सारे किसान साथियों ने। तो साथियों भाई, सबसे पहले एक बात करना चाहूँ भाई, देखो पटाखे कम से कम बजाइयो ताकि भाई प्रदूषण ना हो। तो भाई यो ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था, यो तो भाई ठीक है भाई, बूंदाबांदी होगी भाई, कितने तगड़ी बारिश भी हुई है। दादरी का तो की बूंद थी भाई, और भिवानी का तो ये चादर भी बूंद थी, और उनका कारण भाई यो जो धुआं उठ रहा था वो सारा बैठ गया या साइड में चला गया। तो अपना तो यो ही कहना है कि भाई देखो, कम से कम भाई पटाखे ना बजाओगे उतना बढ़िया रहेगा, ताकि भाई जो छोटे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, दिमाग की शिकायत वाले, उन्हें बड़ी परेशानी रहे। तो एक भाई ये दिखावांगे आपने, एक गुआर की डेरी या बेकी है भाई, इसका भाव बताओ। गुआर दिखा दें पहले आपने, ये देख लो भाई, नया गुआर है यो, 5300 रुपये में क्या है भाई। तो साथियों भाई आपने बता दिया भाई, फिलहाल ये 5300 के बाजार चल रहे हैं भाई गुआर के, और कुछ डेरी धान की भी आ रही है भाई, और धान के भी भाव देखांगे। एक बार एक डेरी यह है, बेकी है कि नहीं बेकी है, एक बार चाल की देखांगे। तो भाई इस धान का सौदा हो लिया है, और भाव पूछांगे। एक बार पहले बता दें भाई, यो 1885 धान है। एक बार धान की क्वालिटी दिखा दें आपने, बैठो मोसा जी, ये देख लो भाई 1885 कौन सा गांव का जी हो? बापुड़ा गांव का किसान ले रहा भाई 1885 धान। तो पंडित जी तक इसका भाव पूछांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार दादा साहब, ये भाव बिका जी? यो बिका है जी 4060 रुपये। 4060? हाँ जी, 60 60 यार। नरमा भी की कोई? नरमा तो इबे कोनी कोई, 6600 हवा मान लो नरमा का बढ़िया। हाँ जी, तो 1121 का के बाजार चल गया? 1121 4300 मान लो जी। यह वैरायटी मतलब बहुत कम आओ है यार। अच्छा, 1885? हाँ, नई वैरायटी है जी यार। तो ये 4060 और थोड़े बढ़िया होती, 4100 बिक जाए जी। हाँ, इनमें तो एक एक दाना का ही फर्क हो जाए है। हाँ, दाना का फर्क हो जाए। हाँ जी, चलो ठीक है जी। ठीक है जी दोस्तों। तो भाई ये एक बार किसान तो बात करांगे, तो धान ले रहे थे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नाम के जी अपना? सुशील कुमार। अच्छा, गांव कौन सा है? बापुड़ा। तो धान ले रहे थे? हाँ। के भाव क्या है? यो भी क्या है 4060। अच्छा, 1885 धान है यो? हाँ, 1885 जी। तो कितनी कोसत लग रही है इसकी? इसकी यो 50-1 मन होगा भाई, लगा 50 मन। तो 1121 भाई भाव में भी तेज है, वो भी 40-50 मन लग रहा है। यो क्यों बोया आपने? कारण उसमें बीमारी ज्यादा हो। अच्छा। हाँ। और इसमें बीमारी कम आवे है? इसमें कम आवे से, पानी भी कम लागे। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। तो साथियों भाई, बीमारी का रोड़ा है भाई इसमें, 1121 में बीमारी ज्यादा आवे है, और ये 1885 है इनमें कम बीमारियाँ हो भाई। वो ये है कारण, इब जो नए बीज आए हैं कि वहाँ के जो पुराने बीज थे अपने भाई, उनमें बीमारी आने लगी थी, पीड़ा रतुआ होया, और ये बीमारी आने लगी थी भाई। तो उनका कारण भाई, जो भाई कृषि वैज्ञानिक ने भाई अलग तभी तैयार करे, उनमें भाई रोग भी कम आवे है, जो गर्मी तय गर्मी ज़्यादा पड़न लगी उनके प्रति भी वह सहनशील हैं भाई। तो जो ईब जो नए बीज हैं ये भाई 1217 होया WH, और DBW 303 होया, ये DBW 222 होया, और DBW 327 होया, और भाई इनमें नु है रोग बहुत कम आवे हैं, और गर्मी ने भी सह सके हैं भाई ये बीज। तो भाई मेरा तो ये कहना है, देखो ईब तो ले ये आगे ती वैरायटी की वैरायटी का भाई टेम लेट हो गया, ये नॉर्मल लकड़ा ही भाई जो अपनी लकड़ा है, और इनमें जो लंबी बढ़न की बात थी भाई, इनमें ईब फिलहाल ईब हो गए, तो भाई इनमें स्प्रे भी कोनी।
जो भाई जो ये वैरायटी है इन भाई 10 के बाद बोओगे तो भाई जो लियोसिन की स्प्रे मारिया कर दे भाई बढ़वा रोकने खातर वो स्प्रे की जरूरत पड़े को नहीं। फिलहाल भाई ये बारिश में भी गी थी नरमा और ये तोल भी होने लग रहा है तो देखांगे एक बार भाई पहल की बेकरी है कि बेकी है तो भाई एक बार शेठ जी का भाव पूछांगे तो कोई नरमा की डेयरी बेकी है जी भाई अपने बिकी को नहीं हमेशा बिकी है 6600-6500 बढ़िया। बात करा तो दाना की तो दाना का के बाजार चल रहा जी 4621.80 और 4600 बोणी केड़ा 4450 बोणी तो आप अभी वाणी भी दान लियो हो तो भाई कोई भी भाई संपर्क करना चाहो तो इन तो संपर्क कर सके है तो अपना मोबाइल नंबर बता दो जी 99925-22385 हां जी कोई भी भाई दानगिर की जाना चाहो तो भिवानी मंडी में कर सके मोस्ट वेलकम किसी टाइम आओ ठीक है जी धन्यवाद। तो साथियों भाई ये दान बिले हैं इनकी भाई आसी मंडी में भी दुकान है कालीचंद एंड सन्स और भवानी खेड़े भी कालीचंद का नाम तो दुकान है भाई। तो भाई देखो उड़ा तो थोड़ा तेज रवे है आड़ा भाई 150 रुपये मंदा 200-150 रुपये मंदा लेवे हैं क्यों आड़ा तो भाई हल्का कम रेटा मनू लेवे हैं कि भाई आड़ा तो भर की फिर उड़े ले जाने पड़े हैं भाई वो वाड़ा हो गया है भाई वो फर्क रहा है भाई और तो कुछ नहीं भाई नू है आड़ तो ले की जा है तो भाई कि मैं हर आदमी बचाने की सोच है तो 6600 नरमा बेकी है भाई तो या देखा है भाई सरसम देखांगे तो एक बार सरसम का भाव पूछांगे भाई के कुछ बेकी है तो राम राम भाई साहब के भाव बेकी भाई साहब 4881 हाँ ठीक है भाई साहब और नरमा भी आ रही थी अपने ना नरमा को नहीं आ रही भाई गुहार आ रहा था गुहार की तो मैंने बनाई ली थी चलो ठीक है भाई 4881 तो भैया सरसम दिखा दें भाई तेल का हिसाब तब क्या है भाई सरसम 4881 बेकी है इसका तेल लगभग भाई ने पता नहीं चलता भाई जो किसान तो फिलहाल आड़ा है नहीं तो 40 लैब के भाव बता दें भाई 5300 रुपये हैं आज 40 लैब के सरसम के भाई भाव और भाई नॉन लैब के 4800 रुपये पर क्विंटल के भाव हैं भाई जो आपकी सरसम में 40 लैब है तो आपके सरसम 5300 रुपये बिकेगी भाई और उस तक कम हो गया है तो भाई और कम रेट हो गया है तो 37% लैब है तो नू लगा लो भाई नॉन लैब में आ जाए आपकी सरसम भाई और उस तो नीचे भी भाई नॉन लैब में ही मान लीजा 37 तो नीचे नॉन लैब मान लीजा 37 भी नॉन लैब में आवा है तो नॉन लैब 4800 और ये भाई या एक डेरी बाजरे पड़ी है भाई बाजरे का बाजार बता दें आपने भाई ये गुवार तुलन लाग रहा है भाई बाजरा बेच लिया गया बाजरा उन्हें बिके गवर्नमेंट का भरिया गया भाई वो बाजरा भाई आपने बता दिया हाँ किसान साथियों भाई फिलहाल गवर्नमेंट बाजरे ही खरीद शुरू है भाई और इनू कह 15 नवंबर ती रहेगी भाई कोई भाई रह रहा हो तो भाई घेर दियो तो यो गवर्नमेंट का भरिया जागा ये बोरी पड़ी भाई गवर्नमेंट की और यो बाजरा पड़िया भाई तो बाजरा का भाव बता दें भाई सरकारी में तो 2500 रुपया भाव है MSP पे बेका है और प्राइवेट में 2200-2250 का बाजार चल रहा है भाई बाजरा का ये देख लो भाई तो फिलहाल सरकारी खरीद शुरू है कोई भाई असल में तो रह ही नहीं रहा भाई बाजरा और कोई रह भी रहा बोला चुका जी ने ऑनलाइन करवा रहा क्या है तो डाल दियो ये तो सीधे 2500 रुपये के बा के पीछे आवे हैं भाई ये को नहीं के भाई भावांतरा होगा ईब जो माल बेकन लाग रहा है सीधे 2500 आपका खाता में आओगे और भाई साथियों बताइयो किसका भावांतर आया है किसका नहीं आया है आया है कि नहीं आया है कई साथी कॉमेंट में कहा करते 10 तारीख तो आ लेगा सब का लेगा 10 ना लेगा तो आज 11 होगी भाई बताइयो किसका आर नहीं आया है भाई तो और देखांगे एक बार तो साथियों भाई एक बार घूम दे देखांगे और आगे मंडी में
और आज खाद बीज की दुकान ना की तो भाई आज छुट्टी है, शनिवार है भाई, शनिवार एतवार न रहे आया करे और देख लेंगे एक बार। तो मेथी के भाव बता दें भाई, मेथी के बाज़ार हैं भाई 6,6100 के आसपास के बाज़ार चल रहे हैं। और चने की बात करां तो भाई चना के बाज़ार चल रहे हैं भाई 6,000 रुपये पर क्विंटल। ये क्विंटल के भाव हैं भाई, जो भी भाव बताऊँ आप क्विंटल के बताऊँ, हाँ क्विंटल में खरीद हुआ है। और भाई मूंग के बाज़ार बता दिया, मूंग 6,000 रुपया तलेगी और भाई लगभग 6,000 रुपया थी के बाज़ार चल रहे हैं भाई मूंग के। तो ये नरमा के भाई सौदे हो लाग रहे हैं, बढ़िया नरमा रही है भाई। और भाई ये बुलबुल सेठ भी खड़े हैं तो शायद इन्हें कार ही है, तो देखांगे भाई आज के बाज़ार चलेगा भाई। वैसे तो 6,600 के भाव बता रहे हैं तो ये सौदे होने लाग रहे हैं भाई, देखो के कुछ रह है। तो ये इसकी फोटो लिए भाई, तो भाई एक बार बुलबुल सेठ तो देख बात करांगे भाई। मैंने इनका नाम भाई, मैंने बुलबुल सेठ नाम धर दिया भाई इनका, तो लोगा ने टेक दिया भाई बुलबुल सेठ, तो प्यार का नाम है यो बुलबुल सेठ भाई। तो नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो किसे किस है? अच्छा किसे है? बिकी ऊपर में तो 6,600 तो यो तेज बकरी है फिर 6,600 बिकी है, बढ़ किया। हाँ बढ़िया क्या दिखा दिया भाई, भाई साहब आज के बयान देखी तो भाई भाई साहब बढ़िया है बकरी है, किसान तो ही बात करांगे भाई। हाँ तो 6,600 रुपये की है तो किसान नु कह भाई बढ़िया क्यों कर बेगी, बात तो इसकी भी जायज है बात मेरी भी जायज है। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। नाम के भाई अपना? नाम नसीब सिंह भाई। अच्छा गाँव कौन सा भाई? गाँव डाणा नरसान भाई। तो बात तो तेरी भी सही है, बढ़िया कोनी बकरी भी देखो हो, और बात मेरी सही है जो भाव है भाई उसमें ऊपर का भाव है। वो तो आज का जो शहर मंडी का वो चल रहा है। तो कौन सी वैरायटी थी भाई साहब? कौन सी थी मन कौन भाई इस बात का? तो अच्छा तो आप खेती को नहीं करिया करोगे? आप गेरना रहे हैं भाई। अच्छा गेरना रहे, चलो ठीक है भाई। तो 6,600 रुपये बेकी है भैया नरमा फिलहाल। अरे एक डेरी याद दिखा दिया भाई, फिर नुकोगे तू हड़की कौन दिखांदा? तो इब का तो हड़की है सारी ये। तो ये दिखा दिया भाई, 6,000 रुपये बेकी है भाई, बुलबुल शेटकारी थी बढ़िया भी और यह हड़की भी भाई। तो यह देख लो 6,000 रुपये क्विंटल। तो और क्या रहा था अपने? अच्छा एक 5,700 रुपये की है या डेरी या तुल्ली है, तो यह दिखा दें एक बार 5,700 रुपये रुपये की है भाई जी साहब माड़ू से पीछे, ये देख लो भाई या तुल्ली है। अपने भाई साहब ये अच्छा एक बार गेहूँ दिखा दें, बेक लिए ये गेहूँ और सूत्रे गेहूँ हैं ये जमा के बा बता जी। तो भाई गेहूँ एक नंबर का भाई जमा, देख लो चमक से गेहूँ हमें बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ है भाई। तो एक बार किसान तो बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। के नाम भाई अपना? मैनपाल। अपनी तो पहले मुलाकात भी होड़ी है ना? पहली मुलाकात हुई है अपनी। पहली हुई है? पहली। अच्छा तो गेहूँ के भाव है की? 2,686। खूब तेज बेच रहा है, कौन सा गेहूँ है भाई? यो है मिक्स सारा। अच्छा वैसे तो 2,500 के बाजार है दड़ा क्वालिटी के, यो 2,686 भी क्या है, खूब बिक रहा है। अरे एक ट्राली हो रहा हो। अच्छा हाँ बोली पर क्या भाई साहब? बोली पर चलो ठीक है भाई साहब। तो ये बाग कौन सा गेहूँ बोया है? अभी नुए मिक्स बोया करा। अच्छा सारा तो कितनी औसत काट लियो? औसत 50 तो प्रॉपर। जो नए बीज आए वे भी बोओगे के इबके? मिक्स बोया करा, इब कद बोऊंगा घर वाले ये। अच्छा हाँ एक साल कट्टा बोया करूँ, पता 3 साल मिक्स बो दिया।
बढ़िया भाई साहब जम्मा बिल्कुल। चलो ठीक है भाई साहब धन्यवाद। 2686। तो भाई देखो वैसे तो भाई गेहूँ का बाजार 2500 दड़ा क्वालिटी का है। ये गेहूँ है टॉप क्वालिटी के, कई नू कहेंगे भाई तू झूठ बोल रहा है भाई दड़ा क्वालिटी है ना 2500 रुपया के बाजार चल रहे हैं या बोली पे क्या है भाई के वह है कई खनिये ले ले हैं तो उसका कारण भाई थोड़ा हाँ तेज बिक गया है बढ़िया सुथरा गेहूँ चमक में भी नू तो 2686 रुपये बिक गया भाई यो तो और देख लेंगे एक बार भाई 6600 नरमा बेकी है ऊपर में गुआर 5300 रुपये बे क्या है सरसम के 40 लैब के 5300 के बाज़ार हैं 40 लैब के। और भाई जो की बात करां तो जो 1850-1900 के बाज़ार चल रहे हैं जो के तो साथियों भाई लगभग भाई दौरा हो गया मंडी का और अपना एक बार फिर भाई दिवाली की आरती की शुभकामनाएं तो अपने इजाजत दो भाई कल फिर आज जरवाई ने जानकारी के साथ नमस्कार।